शिमला जिला के रामपुर व आसपास में कोविड 19 बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रामपुर प्रशासन ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को रामपुर उपमंडल क्षेत्र में कड़ाई से पालन करवाने की रणनीति भी तैयार की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुझाव भी दिए, साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा तभी संभव है अगर सरकार द्वारा जारी की गई SOP का आम जनता पालन करे। SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जांच के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। खनेरी स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में कोविड 19 डेडिकेटेड केयर हॉस्पिटल में 20 की जगह 40 बिस्तर किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे अस्पतालों को भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में बनाया जा रहा है। जांच टीमें शादी या दूसरे समारोह जो हो रहे हैं उन पर पैनी नजर रखे हुए हैं और कहीं भी कोई अवहेलना ना हो इसके लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच टीमों का जो गठन किया गया है वे दिन रात पैनी नजर रखे हुए हैं और जो नियमों की उल्लंघना करता पाया जा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा RTO और HRTC के RM को भी निर्देश दिए गए हैं कि 50% से ज्यादा बसों में सवारियां नहीं होनी चाहिए। वहीं खंड विकास अधिकारी और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज हमने रामपुर में बेस सभी अधिकारियों के साथ जो कोविड का करंट जो स्थिति बनी हुई है उसका रिव्यू लिया है। अभी पिछले कल ही सरकार ने नई रिस्ट्रिक्शन जारी की है तथा 20 अप्रैल को भी राज्य सरकार की ओर से कुछ दिशा निर्देश आए हैं। उसके बारे में रामपुर उपमंडल में की प्रशासन की स्वास्थ्य विभाग की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारियों ने अपने काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए हैं और हमारी रणनीति कोविड के प्रति आने वाले समय में क्या रहेगी उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। फर्स्टली एक तो हमारे पास जो डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है खनेरी में, उसमें हम जो बेड कैपेसिटी अभी 20 की है उसको हम इनहांस करके 40 कर रहे हैं और आने वाले समय में हमने आगामी 10-15 दिन के बाद इसका रिव्यू लेकर हम जो बेड कैपेसिटी है दूसरे हॉस्पिटल में भी डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में हम बनाने जा रहे हैं। इसके बारे में भी हमारा जो रूपरेखा है वो तैयार हो रही है। सेकेंडली जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स है हमारे पास पोस्ट हॉस्पिटल दत्तनगर 2-3 और जगह फैसिलिटीज है तो वहाँ भी हम बेड कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। सेकेंडली हमने डिफरेंट फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे शादियाँ हो रही हैं और चलो दाह संस्कार में तो लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो ही कर रहे हैं कि 50 से कम लोग हैं, खासकर मैरिजेज में वायलेशन ना हो तो राज्य सरकार के आदेश है कि 50 से कम लोग शामिल होंगे और इसके अलावा अन्य जो जरूरी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए हमारी टीमें रात को भी सभी शादी समारोह में छापे मार रही है और जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR और साथ में उन्हें फाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। थर्डली मार्केट में या दूसरे जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी कोविड कोई अवहेलना ना हो इसके लिए भी हमने सभी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे एक्साइज हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे वेट एंड मेजरिंग इंस्पेक्टर है, कॉपरेटिव इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर्स ने सभी को भी आदेश दिए हैं, सभी की हमने जिम्मेवारी सुनिश्चित कर ली है कि सभी अपने लेवल पर कोविड महामारी को रोकने के लिए अपने स्तर पर भी इंस्पेक्शंस करेंगे और इसकी डेली रिपोर्ट हमें भेजेंगे। बसेस का और ऑटो, हाँ, इसके अलावा जो बसेस की बात है हमने RMHRTC मीटिंग में उपस्थित है RTO रामपुर भी उनको भी आदेश दिए हैं कि ये सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि 50% से ज्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए बसेस में उसकी प्रॉपर कंप्लायंस हो इसके लिए उन्हें आदेश दिए गए हैं। सेकेंडली ऑटोज में, प्राइवेट बसेज में RTO इंश्योर करेंगे कि बिल्कुल भी इस गाड़ी दिशा निर्देशों की अवहेलना ना हो। इसके अलावा हमने BDO साहब को तथा EO साहब को भी आदेश दिए हैं कि वो सभी पंचायत क्षेत्रों में और MC एरिया में डेली बेसिस पर सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन इंश्योर करें और डेली बेसिस पे वहाँ पर सफाई होती रहे।